हाय गाइस, वेलकम टू नीट गाइड फे फॉर नीट। सो कैसे हो, कैसी चल रही प्रिपरेशन सो कॉल्ड एग्जाम की? इट्स हाई टाइम फॉर एग्जाम। सो इट्स हाई टाइम फॉर कॉफ़ी? नो, ये गलती तो सच्ची मत करना गाइस। चलो मैं कुछ सिम्टम्स बताती हूँ जिसको हमारी भाषा में एग्जाम फियर, एग्जाम फोविया एंड एग्जाम स्ट्रेस बोलते हैं। बहुत डर लग रहा होगा ना, नींद नहीं आ रही होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे दिमाग में, क्या होगा क्या नहीं होगा और प्ला प्ला। रात को सोने जाते होगे तो लगता होगा यार दो चैप्टर रिवाइज कर ही लेते हैं ना, तब सो जाएंगे। और जिनको नींद आती भी होगी वो सोचते होंगे यार और कुछ दिन की तो बात है ना, चलो दो कप कॉफ़ी पी लेते हैं एंड पूरी रात पढ़ते हैं। तो चलो आप बताओ ये सब कितने लोगों को फील होता है, आपको, आपके फ्रेंड को या सभी को? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, ये फियर, ये डरावने सपने नॉर्मल हैं और ये हर एक फेज़ में आएगा आपको। जब भी आप एग्ज़ाम दोगे तब आएगा ये हर किसी को आता है और ये आना ज़रूरी भी है। ये मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए और एग्ज़ाम के लिए। कुछ आपको बताते हैं, कुछ आपको नहीं बताते। एक टॉपर को डर होता है कि वो टॉप कर पाएगा या नहीं, और एक एवरेज को डर होता है कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं। मम्मी पापा का ड्रीम, मेरा ड्रीम, लोगों का एक्सपेक्टेशन, बेटा मेडिकल का पढ़ाई कर रहा है, बेटी का एग्ज़ाम है 13 सितंबर को, मम्मी का केयर, वो सुबह अलार्म क्लॉक की जगह मम्मी का अलार्म क्लॉक बनना क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन है। आई थिंक दिस थिंग्स विल गो ऑन इन्फिनिटी। तो ये सब बातें हैं, करें क्या? अब आपके पास लास्ट के कुछ दिन बचे हैं गाइस। कुछ चीज़ें एज अ सीनियर और एज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस सजेस्ट करना चाहूँगी। अगर आपको फॉलो करना होगा तो आप कर सकते हो, नहीं करना होगा तो योर विश। वैसे तो किसी भी आदत को बनाने में 21 डेज लगते हैं, पर फिर भी अभी भी जो दिन बचे हैं ट्राई तो कर ही सकते हैं ना। तो चलो देखते हैं वो सजेशन मैं क्या देने वाली हूँ आप लोगों को। गाइस फर्स्ट सजेशन फ्रॉम माय साइड, गाइस टेक फुल एंड प्रॉपर स्लीप। ट्राई टू स्लीप एट लीस्ट 6 to 7 hours। अगर 8 hours हो गए तो रोने गाने मत लगना, इट्स ओके, सोना पड़ेगा। अभी आपको 7 days अब और 7 or 8 days बचे हैं, सो आराम से। और सेकेंड सजेशन फ्रॉम माई साइड, बचपन वाले पोएम जो हम बड़े होकर बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते क्योंकि हम तो बॉस बन गए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। गाइस कभी आपने सोचा है बचपन की सारी चीज़ें क्यों याद है? ABCD, क ख ग घ ङ, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी एंड मेनी मोर। ये भी एक रीज़न था हम 8 hours सोते थे, एंड जल्दी सोते थे जल्दी उठते थे। थर्ड सजेशन फ्रॉम माई साइड, सुबह उठो, सारी चीज़ें जो रिवाइज करनी है 12 o'clock तक कर लो। मॉर्निंग में 1 hour ब्रेकफास्ट एंड ऑल के लिए निकालो एंड बाकी टाइम इसमें दो। 12 to 2 PM के बीच टेक योर लंच एंड डू रेस्ट फॉर हाफ एन आवर। उसके बाद क्या करना है आपको, 2 to 5 सॉल्व योर मॉक पेपर्स, टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। अब तीनों लेकर मत बैठ जाना, कोई एक, ओके? अब सोच रहे होगे दीदी आप 2 to 5 PM में क्यों बोल रहे हो, पहले भी तो कर सकते हैं ना। तो गाइस हमारे ब्रेन को भी तो ट्रेंड होना चाहिए ना, उसे पता होना चाहिए कि तुम्हें भैया 2 to 5 PM में अलर्ट रहना है, मेरा हेल्प करना है क्योंकि नीट का एग्ज़ाम 2 to 5 PM में ही है। ब्रेन को आदत पड़ जाएगी एक्टिव रहने की अगर आप इसे रेगुलर करोगे तो, कि हाँ इस टाइम उसी पे दिमाग लगाना है, कहीं और दिमाग नहीं लगाना है। फोर्थ सजेशन फ्रॉम माय साइड, आफ्टर डूइंग योर पेपर जस्ट एनालाइज इट। पेपर तो कर लिया, कुछ बच्चे पेपर करते हैं एंड रख देते हैं, गिव 2 to 3 hours फॉर एनालिसिस। कुछ अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, जस्ट मग अप इट। कुछ ट्रिक्स भी मिलेगी जो कि काम आ जाए, मान लो यहाँ पर वो क्वेश्चन नहीं बन पाया हो बट क्योंकि आपने सॉल्यूशन देखा है, आपने एनालिसिस किया है तो हो सकता है वहाँ पर हेल्प हो जाए और वो क्वेश्चन सेम आ जाए। नाउ गाइस आपने अब सुबह पढ़ लिया, पेपर भी सॉल्व कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू रिलैक्स, रिलैक्स योर सेल्फ, टेक योर डिनर, स्पेंड टाइम विथ पेरेंट्स, सिबलिंग्स और यू कैन टॉक टू योर बेस्ट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड इफ एनी। अगर अभी भी सारे काम करके आपने रिवाइज भी कर लिया, पेपर भी सॉल्व कर लिया और फिर भी आपके पास अगर टाइम बच जाता है तो यू कैन रिवाइज द थिंग्स बाय योर चॉइस और यू कैन डू द थिंग्स बाय योर चॉइस एंड देन स्लीप वेल।
प्लीज कॉफी पीकर खुद को मत जगाना। ब्रेन को कॉन्शियस होने के लिए ना पूरी तरह 6 आवर्स लगते हैं जब वो इफेक्टिव वर्क करता है। अब सोच लो अगर आप पूरी रात जागे तो आपको सुबह टायर्ड सा फील होगा, जिसके कारण 2 बजे भी आपका ब्रेन उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। कुछ दिन ब्रेन को भी बताना पड़ेगा ना कि तुम्हारे को 2 से 5 एक्टिव रहना है। अब उसको डेली 2 से 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बताओगे कि हाँ तेरे को यही करना है, तो उसे भी एक्सरसाइज हो जाएगी कि हाँ भाई यहाँ पर अलर्ट रहना है और कहीं दिमाग नहीं लगाना है। उसे पता चल जाएगा ना कि हाँ बेटा अब तेरे को 13 सितंबर को भी इसी दफा फाइनली हेल्प करना है। गाइस ये तो थी कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप चाहते हो ऐसा कोई वीडियो कि लास्ट टाइम किस चैप्टर को ज़्यादा रिवाइज करूं और किसे थोड़ा सा कम कर सकता हूं, तो कमेंट करना। आई विल श्योरली मेक 1 वीडियोस फॉर यू गाइस। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी वेटेज के अकॉर्डिंग करो। गाइस यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक इंस्टा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। और हाँ आपकी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एग्जाम यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टा एज वेल। थैंक यू गाइस, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग एंड स्टे सेफ।